प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के कड़े निर्देश के बावजूद भी बिजली कर्मचारी किसानों के जले ट्रांसफार्मर बदलने के लिए खुली रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शनिवार शाम पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह पवार के साथ बिजली वितरण कंपनी के दफ्तर में पहुंचे। इस दौरान किसानों ने बिजली वितरण कंपनी में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी राजेश कुमावत पर बिजली विभाग के डीई के समक्ष आरोप लगाए। राजगढ़ के ग्राम गागौरनी निवासी पवन मालाकार लक्ष्मी नारायण मालाकार जगदीश गुप्ता से बिजली ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 15,000 रुपए की मांग की गई। जब पवन मालाकार के पास राशि की व्यवस्था नहीं हो पाई तो उन्होंने भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह पवार को इसकी जानकारी दी, जिस पर विष्णु सिंह पवार ने डीई देवेंद्र सिंह मेहरा को इसकी शिकायत की। इस दौरान डीई ने आवश्यक कार्रवाई की बात कही। दोपहर में डीई के पहुंचने पर पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह पवार हनुमान पाटीदार माचलपुर राकेश भानपुरा मोहन सिंह सरपंच सहित अन्य किसान बिजली दफ्तर पहुंचे। यहां डी देवेंद्र मेहरा की मौजूदगी में किसानों ने खुला आरोप लगाकर कहा कि यहां पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी राजेश कुमावत द्वारा 15,000 रुपए की मांग की जा रही है। पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी ने कहा कि किसानों के साथ बिजली कर्मचारियों द्वारा खुली रिश्वत मांगी जा रही है। उक्त कर्मचारी पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे संज्ञान में आज पहली बार मैं लोक अदालत में बैठा हुआ था, मेरी उनसे चर्चा भी हुई, मंडल अध्यक्ष जी से भी चर्चा हुई। मैंने कहा देखिए आप मतलब उस व्यक्ति को पैसे देखे, देखिए अपन उसको पकड़ेंगे अपन इसको, आप तो उसको पैसे दिलवाइए। लंका बल्डी की ट्रांसफार्मर जल रही है, वहाँ के किसान आज मेरे पास आए, मंडल अध्यक्ष जी के पास गए। मैंने खुद ने डी साहब से बात करी, डी साहब से बात करने के बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि ये कल पवन मालाकार और इसके साथी लोग ने आकर के कल ट्रांसफार्मर जमा कर दिया है, तो आप इनको ट्रांसफार्मर दिला दो। तो डी साहब ने मेरे से कही कि ये इसने कल ही जमा करिए, मैं एक दो दिन में दिला दूंगा। फिर उस पवन मालाकार ने हमारे मंडल अध्यक्ष जी विष्णु सिंह जी से बात करी और विष्णु सिंह जी से बात उस पवन ने करी तो कि साहब वो राजू एक नाम का कोई है, वो 15,000 रुपये मांग रहा है। किस बात के? ट्रांसफार्मर अभी दे दें, आज ही दे देंगे तू 15,000 रुपये रिश्वत के। ये बात पवन ने विष्णु जी मंडल अध्यक्ष जी से कही। विष्णु जी मंडल अध्यक्ष जी ने बात करी माननीय डी साहब से। डी साहब ने ये कही कि आप अध्यक्ष जी आप 15,000 रुपये दे के उसको भेज दो, ट्रांसफार्मर तो ले लो, फिर मेरे को बताना है, अपन कार्रवाई करेंगे। वो पवन मालाकार वापस विष्णु जी के पास आया तो पवन विष्णु जी ने 15,000 रुपये उसको दिए पवन को। पवन के साथ में एक और बसाब है, एक लक्ष्मी नारायण जी और एक हमारे कार्यकर्ता है बीजेपी के गागोरनी के, आज जगदीश काका जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो भी उनके साथ में, दोनों के साथ में हम एमपी भी ऑफिस गए। इस बीच कहीं डी साहब की और जो बात हुई थी तो डी साहब ने सुपरवाइजर को डांटे हुए फोन पे, तो सुपरवाइजर ने इनको कह दी ये 15,000 रुपये लेके गए वहाँ, तो उस राजू ने कही इन सब से उसका साक्षी हमारे, क्योंकि इनको तो डीपी की जरूरत थी पवन को, इनको पर जगदीश काका तो साथ में गया था अपना कार्यकर्ता है, तो ये उसने ये कही कि अब तो तुम्हें आओ नेताजी, अब तो डीपी तुम्हें वहाँ फैक्ट्री में से मिलेगी, अब तुम्हारे को यहाँ से कोई डीपी नहीं मिलेगी। इस तरह से धुतकार के इनको भगाया है। ये बात सारे वाकया मैंने एमपीबी के एसी साहब को बताई, एमपीबी के डी साहब को बताई, एमपीबी के सुपरवाइजर साहब को मैंने भी बताई, हमारे मंडल अध्यक्ष विष्णु जी ने भी बताई और डी साहब भी यहीं खड़े हैं, इनने भी इस बात को मंजूर करिए।